हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू हाउस एंड हॉल्स। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दो कुर्ते जो मैंने एक फ्लिपकार्ट से खरीदा है और एक अमेजोन से खरीदा है। दोनों ही कुर्ते बहुत ही सुंदर है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये मेरा फर्स्ट कुर्ता है। ये कुर्ता मैंने रंगमंच का लिया है, रंगमंच ब्रांड का लिया है। ये रंगमंच पैंटलून्स का ब्रांड है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसका कलर डार्क बॉटल ग्रीन कलर है। मैं इसको ओपन करती हूँ। इसका कलर डार्क बॉटल ग्रीन कलर का ये कुर्ता है। ये बहुत ही प्यारा कुर्ता है और इसके नेक पोर्शन में आपको यहाँ पे बटन्स मिलेंगे एंड दैट आर ओपनेबल बटन्स। ये सारे के सारे बटन्स ओपन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो इसका हैंड मिलेगा आपको, ये हैंड जो है ये पूरा का पूरा 3/4 इसका हैंड है। और हैंड पे यहाँ पे आपको ब्लू कलर का प्रिंट मिलेगा। आप चाहे तो इसको ब्लू कलर से भी कॉम्बो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको येलोइश बेज कलर का पाइपिंग दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको बेज कलर के पैंट्स के साथ भी या गोल्डन कलर के पैंट्स के साथ भी इसको पहन सकते हैं। ये कुर्ता बहुत ही सुंदर है। इस कुर्ते की मैं मटेरियल की बात करूं तो जो इसका मटेरियल है, इसका मटेरियल पॉली कॉटन है। आप वहां चेक करेंगे जब फ्लिपकार्ट में जाके, तो वहां पे आपको ये वहां पे पॉलिस्टर लिखा हुआ आएगा। बट लेट मी टेल यू, इसका मटेरियल गर्मी के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। ये एक पॉली कॉटन मटेरियल का कुर्ता है और इसका लेंथ भी अच्छा खासा है। आप आराम से इसको पहन सकते हैं। फिट मुझे रंगमंच के कुर्ते जो पैंटलून्स के हैं, ये मुझे मीडियम साइज में आते हैं। और ये मीडियम साइज, मेरा वेट 58 kg है और मेरी हाइट 5 feet है। उसके अकॉर्डिंगली ये कुर्ते मुझे ठीक आते हैं। बट स्लाइटली मीडियम साइज स्लाइटली लूज होता है, तो कभी मेरे को फिटिंग कराना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, नहीं तो नहीं भी कराना पड़ता है। लेट अस सी फ्रॉम द बैक साइड। ये इसका बैक साइड है, आप इसका बैक साइड देख सकते हैं। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में आपको यहाँ पे ब्लू कलर की प्रिंट मिलेगी। ये यहाँ पे पूरा प्रिंटेड कपड़ा पैच्ड लगा हुआ है। आप चाहे तो, मैं इस कुर्ते को जनरली बेज कलर के पैंट्स के साथ या गोल्डन कलर के पैंट्स के साथ कॉम्बो करती हूँ, और या फिर ब्लू कलर के लेगिंग्स के साथ मैं इसको पेयर अप करती हूँ। इसके हैंड में भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की पाइपिंग दी हुई है, पैच में एडेड है, और यहाँ पे आपको बेज कलर का दिया है। ये कुर्ता बहुत ही सुंदर है। इसमें इनर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती पहनने की, आप इसको डायरेक्टली वियर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा है फ्रॉम द बैक साइड इट इज। इसमें कोई भी पॉकेट्स प्रोवाइडेड नहीं है, ये विदाउट पॉकेट वाले कुर्ता है। मैं रंगमंच के कुर्तों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि रंगमंच के कुर्ते जो है उनकी साइज बहुत वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके साइज बहुत ज्यादा वैरी करेंगे आपके। तो कभी भी आप खरीदने से पहले कोई भी फ्लिपकार्ट से या फिर किसी से भी आप कुर्ता खरीदते हैं तो उनके स्पेसिफिकेशंस को बहुत अच्छे से डिटेल में रीड कीजिएगा, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है कुर्ते के बारे में। और इस कुर्ता के बारे में मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं इसमें एक हल्का सा शाइन है, मतलब स्लाइटली कोसे का जो लुक्स देता है शाइन का, ये वैसा लुक रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वाज द फर्स्ट कुर्ता, सो लेट अस गो फॉर द सेकेंड वन। ये मेरा सेकेंड कुर्ता है। ये जो सेकेंड कुर्ता है ये मैंने अमेजोन से लिया है। ये ऑरेलिया ब्रांड का है और मैंने इसमें मीडियम साइज लिया। ऑरेलिया में मुझे मीडियम साइज आता है तो मैंने इसमें मीडियम साइज लिया है। सो लेट अस सी दिस कुर्ता। ये बहुत ही प्यारा कुर्ता है। ये दोनों कुर्ते जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये पार्टी वेयर कुर्ते हैं, मतलब हेवी पार्टी वेयर नहीं, आप नॉर्मल बर्थडे पार्टीज और छोटी मोटी पार्टीज में आउटिंग में पहन सकते हैं। ये भी जो कुर्ता है, इसका कुर्ते का मैं मटेरियल का बात करूं तो ये आपका थोड़ा सा सिल्क कॉटन मटेरियल में है और पूरे कुर्ते में शिमरिश शाइन है, शाइनी मटेरियल है। ये पूरा थोड़ा सा स्लाइटली शाइन, अगर आपको इसमें दिख पा रहा हो तो, ये स्लाइटली शाइनी मटेरियल है। और यहाँ पे आपको बटन दिया है नेक पे, इसका नेक टू टाइट नेक तक आएगा पूरा, और ये नेक ओपन होता है थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा लूज फिट पसंद है तो। और इसके स्लीव्स की बात करूं तो इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स में आएगी। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट दिस मटेरियल, इस मटेरियल के मैंने बहुत कुर्ते लिए हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा रिच लुक और बहुत सुंदर लगते हैं पहनने पे। बट इसमें है ये मटेरियल बहुत ज्यादा क्रश होते हैं, क्रश मटेरियल है, मतलब आप पहन लेंगे फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव टू गो फॉर द आयरनिंग। विदाउट आयरनिंग यू कैन नॉट वियर, विदाउट आयरन करवा के आप इसको दोबारा पहन ही नहीं सकते। इसके प्रिंट के बारे में मैं बात करूं तो इसके हाफ बॉडी पार्ट में व्हाइट कलर है और हाफ बॉडी पार्ट में आपका येलो कलर है, और वो बहुत ही अच्छा ब्राइट सा कलर है अगर आप देख पा रहे हो तो। और इसमें ब्लू कलर की पाइपिंग्स दी गई हैं, अटैच पाइपिंग्स है,
लेट अस सी फ्रॉम द बैक साइड, ये बैक साइड से भी है, बैक साइड में लोअर पोर्शन में कोई भी प्रिंट नहीं दिया हुआ है और ये पहनने पे बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आप चाहे तो इसको ऑफ व्हाइट पैंट्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं या फिर ऑफ व्हाइट लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा शिमरिश शाइनी मटेरियल है तो आप गो कलर्स के अगर लेगिंग्स देखेंगे तो उसमें थोड़े शाइन मटेरियल वाले लेगिंग्स आते हैं, मैं उनका भी रिव्यू एड करूंगी उसके। मेरे पास थोड़े शाइनी मटेरियल में हाई क्वालिटी में लेगिंग्स अवेलेबल है, पहना है मैंने, मैं उसको भी इसमें शो करूंगी। तो सो दिस वाज द कुर्ता, इसका भी मटेरियल बहुत प्यारा है, अगर आपको यहां से थोड़ा सा भी दिख रहा होगा तो इसमें काफी अच्छा शाइन है। ये शाइन वाले मटेरियल्स पहनने के लिए बहुत ही प्यारे लगते हैं और कॉटन होने के कारण ये आप किसी भी टाइम पे पहन सकते हैं, पहनने के लिए आपको बहुत ही आराम रहेगा। और ऑरेलिया के कुर्ते जो होते हैं उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल एड होते हैं। अब कभी भी ऑरेलिया में ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा कॉटन के ही कुर्ते बनाते हैं। ऑरेलिया को आप देखने जाएंगे तो वहां पे आपको पॉली कॉटन, इवन शाइन मटेरियल में आपको बहुत ज्यादा वो पॉलिस्टर के भी कुर्ते रखते हैं। तो नेवर गो फॉर दैट कुर्ताज, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल टू वियर। आप स्पेसिफिकेशन में हमेशा चेक करके लीजिए, वहां पे लिखा रहता है कि दैट इज अ कॉटन मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल है, क्योंकि इस तरीके के शाइन वाले कुर्ते में वो क्या करते हैं पॉलिस्टर मटेरियल का भी बनाते हैं, तो वी गेट कंफ्यूज लेते टाइम। सो दिस वॉज द टू कुर्ताज, अगर ये आपको दोनों कुर्ते हैं, इसमें आपको इनर पहनने की जरूरत नहीं है, ना इसमें इनर पहनने की जरूरत है इनर लाइनिंग की, ना इसमें है, ये दोनों ही आप कंप्लीटली विदाउट इनर लाइनिंग आप पहन सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे कुर्ते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ लाइक टू माई वीडियो एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।